प्लांट के विंटर केयर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है स्पाइडर प्लांट। ये स्पाइडर प्लांट हैंगिंग प्लांट है, देखिए हैंग किया हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है। तो इसके हम विंटर केयर के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो इसको मकड़ी वाला प्लांट भी बोलते हैं, प्लस इसका नाम जो है एयरप्लेन प्लांट भी होता है। इसमें जो है छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी आते हैं और इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए कितना अच्छा हैंगिंग प्लांट है ये। तो इसके विंटर केयर के बारे में बात करेंगे हम आज। ये इसको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि ये जो है एयर प्यूरिफायर का भी काम करता है। आप अंदर रखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट, एटलीस्ट इनडायरेक्ट या पार्शियल सनलाइट आ रही हो, तो वहाँ इसे रखिए, अच्छा चलता है ये। वैसे इसको सन की बहुत ज़रूरत होती है, इसको धूप चाहिए। तो विंटर्स, पीक के विंटर्स होते हैं, तो ये विंटर्स जो होते हैं इनके लिए शॉकिंग वेदर होता है। तो शॉकिंग वेदर में इनके जो लीव्स हैं वो देखिए, जैसे ये बेबी प्लांट है, बेबी प्लांट की लीव देखिए ये ब्राउन हो गई है। इसके अलावा ये देखिए इसकी ये लीव्स ये ब्राउन हो गई हैं, येलो टाइप की हो गई हैं। तो ये विंटर्स में चेंजिंग वेदर में इसको शॉक लगता है और इसकी लीव जो है येलो पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें अगर ओवर वाटरिंग कर दें, ओवर वाटरिंग करने से क्या होता है, इसकी लीव, मैं तो लीव वाटर का बहुत ध्यान देती हूँ, तो इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसमें जो लीव्स हैं वो ब्राउन पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, अच्छा चलता है, लेकिन अगर पार्शियल या शेडी इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छा चलता है। को ज़्यादा मिनरल्स वगैरह नहीं पसंद हैं, तो अगर हम टैप वाटर देते हैं तो ये इतना अच्छा नहीं चलता है। इसको आप डिस्टिल वाटर या रेन वाटर दे दीजिए तो इसमें ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज इसके विंटर केयर के बारे में आपको बताया कि इसके अगर येलो लीव्स पड़ती हैं आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ये विंटर्स की चेंजिंग वेदर की वजह से है। इसका बस पानी का और सनलाइट का ध्यान रखिएगा तो ये बहुत अच्छा चलेगा। इसका पॉटिंग मिस का ध्यान रखिएगा। इसके जो ये तो हैंगिंग में तो बहुत अच्छा ही लगता है, इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी नई क्रिएटिविटी दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय।